नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर पाकुड़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले लिट्टीपाड़ा विधानसभा के लिट्टीपाड़ा चौक से महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुधवार को आदिवासी अधिकार यात्रा रैली निकाली गई। अधिकार रैली के दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव का भ्रमण किया। रैली में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने आदिवासी के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। मौके जिला अध्यक्ष अमृत पांड्य, राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू, दानियल किस्कू, दुर्गा मरांडी, साहब हांसदा सहित अन्य मौजूद थे। रैली अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस संबंध में भाजपा नेता सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू ने विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट चंदन कुमार रक्षित, पाकुड़, झारखंड। ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और ये एसटी मोर्चा के द्वारा पाकुड़ जिला का मोटरसाइकिल रैली हम लोग निकाले हैं। आज इस रैली का उत्साह है कि पूरा कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीन राज्य में जो सरकार बनी है, यही संकेत दिया जा रहा है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी कि इस बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाएंगे और हमारा राजमहल लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है इसका हम लोग परचम लहराएंगे। इस उद्देश्य के साथ आज हम लोग एसटी मोर्चा का रैली हम लोग पूरा जोर शोर के साथ हम लोग कर रहे हैं, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, यही उम्मीद के साथ सबको। मैं आज हम लोग का आदिवासी मोर्चा का जो रैली है, हमारा आदिवासी भाई को अधिकार नहीं मिल रहा है, इसी कारण ये अधिकार रैली के साथ हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकार को हम लोग अपना जबरदस्त करना है और हमको समर्थन पूरा मिल रहा है हमारा इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, यही हम लोग का उद्देश्य है। अधिकार रैली के साथ आदिवासी मोर्चा हमेशा सक्रिय रहता है, यही उद्देश्य है।